मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना में पार्टी के चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं। तेलंगाना के भूपापल्ली से पन्नूर गांव तक कांग्रेस की एक चुनावी यात्रा में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर चुनाव में हारने वाले हैं। यह लड़ाई राजा और प्रजा के बीच की लड़ाई है। आप चाहते थे तेलंगाना में जनता का राज हो, लेकिन यहाँ सिर्फ एक परिवार का राज हो गया है। राहुल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना में सिर्फ एक ही परिवार का राज है, जनता से सीएम का कोई मतलब नहीं है। देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में ही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम तीनों मिले हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पीछे सीबीआई या फिर ईडी क्यों नहीं लगती है? देश में इन दिनों ईडी को लेकर काफ़ी सियासत चल रही है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि ईडी को जानबूझकर विपक्षी नेताओं के पीछे लगाया जा रहा है। राहुल ने कहा कि देश के लिए जातिगत जनगणना एक्सरे का काम करेगी। जब मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं तो न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर कुछ कहते हैं। हाल ही में बिहार में जाति सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला है कि राज्य की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 60% से ज़्यादा है। यही वजह है कि राहुल ने अब राष्ट्रव्यापी जातिगण जनगणना कराने की बात कही है। वह लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना का है। जातिगत जनगणना से इस बात की जानकारी सामने आएगी कि देश में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग के लोग हैं और किसकी कितनी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि ये देश के एक्सरे जैसा है और इससे यह भी मालूम होगा कि देश का धन कैसे बांटा जा रहा है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ।